वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पड़ रही है फूट। हाथापाई पर उतारू हो रहे प्लेयर, वीडियो वायरल। सरेआम प्रैक्टिस के दौरान आपस में भिड़े बाबर इमाद, कैमरे में कैद हुआ हैरान कर देने वाला मंजर। बाबर आजम वर्सेस इमाद वसीम की यार, जो लोग प्री मैच नहीं साथ रह पा रहे हैं वो पोस्ट मैच या मिड मैच में कैसे साथ रहे हैं। इसे भी बाबर पर न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आरोप लगे थे कि इमाद वसीम को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, इमाद को उन्होंने टीम में जगह नहीं दी थी, इमाद को पहले रोटेशन के नाम पर बाहर बिठा कर रखा था, सात नंबर बल्लेबाजी करवा रहे थे और गेंदबाजी के नाम पर सिर्फ एक ओवर दे रहे थे ताकि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म ना करें। बाद में इमाद वसीम का एक वीडियो सामने आया, लड़ाई हमारे बीच में नहीं है। आप ये सब मत सोचिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बीच में एक टॉपिक को लेकर बहस हो रही थी, कई बार मीडिया भी बढ़ा चढ़ा कर बोल देती है। सामनेक्रम गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो प्लेयर्स आपस में बहस करते दिखाई दिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट करती रही। एक थे बाबर आजम और उनके साथ बहस करने वाले थे इमाद वसीम, और आपको तो पता ही है कि फौरन पाकिस्तान में कराची और लाहौर वाले आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई देते हैं, और बिल्कुल उसी तरह हुआ। बाबर आजम के फैंस इमाद वसीम पर तनकीद करने लगे और इमाद वसीम के फैंस जो है वो बाबर आजम पर तनकीद करने लगे, और फिर यही मौका हासिल किया हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने, और वो ये कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तानी तो अब आपस में लड़ रहे हैं जबकि कोई सीरीज शुरू हुई नहीं, कोई मैच शुरू हुआ नहीं। तो फिर जब वर्ल्ड कप में ये एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो फिर तो एक दूसरे को ये बल्लों और विकेटों से मारेंगे। यानी इस तरह की बातें भी भारत के सोशल मीडिया पर की गई। भारत का मीडिया भी इसमें कूदा और उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स खासकर बाबर आजम पर तनकीद करना शुरू की और ये कहने लगे कि बाबर आजम चाहते नहीं कि इमाद वसीम किसी तरह आगे आए, और उनकी बात को हमेशा रद्द किया जाता है, उन्हें साइड किया जाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोटेशन पॉलिसी की बात करते दिखाई दिए कि इमाद वसीम को बैटिंग भी सातवें नंबर पर भेजा गया और ओवर भी एक ही करवाया गया ताकि कोई खास परफॉर्मेंस इमाद वसीम दिखा ना पाए, और इस सब के पीछे बाबर आजम का नाम लिया जाता है। लेकिन फिर जब इमाद वसीम से पाकिस्तानी मीडिया नहीं प्रैक्टिस सेशन के बाद सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मेरे और बाबर आजम के बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं, मीडिया ने वैसे ही हाइप क्रिएट की है, हम एक दूसरे के साथ स्ट्रेटजी के ऊपर बहस कर रहे थे और ऐसा हर टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ करते हैं, हमारे आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ अगले टूर्नामेंट या सीरीज खेलना चाहते हैं ताकि पाकिस्तानी टीम की तरफ से कौम को खुशियां दी जा सके, यानी वर्ल्ड कप जीत कर। तो ये जवाब मुंह पर लगा जाकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के, और अब वो जस्टिफिकेशन देते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पड़ रही है फूट। हाथापाई पर उतारू हो रहे प्लेयर, वीडियो वायरल। सरेआम प्रैक्टिस के दौरान आपस में भिड़े बाबर इमाद, कैमरे में कैद हुआ हैरान कर देने वाला मंजर। वीडियो देख बाबर आजम के फैंस हुए आग बबूला। जून 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, और इस मेगा इवेंट के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को तेज भी कर दिया है। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप के लिए कई देशों ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि कई टीमें जल्दी अपने दल का ऐलान कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तान के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उस खबर के मुताबिक टीम के खिलाड़ियों के बीच आपसी कलह बढ़ चुकी है, बात हाथापाई तक पहुंच गई है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, और इस सीरीज के लिए सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस सीरीज के पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फिटनेस कैंप का आयोजन किया था और सभी खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑर्गेनाइज किए जा रहे इस कैंप से पहले एक फुटेज तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच लड़ाई को दिखाया गया है। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जिन खिलाड़ियों के बीच लड़ाई का वीडियो तेजी के साथ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि टीम के कप्तान बाबर आजम और लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अभी भी रिलेशंस सुधरे नहीं है, इसी वजह से दोनों के बीच मतभेद के ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इमाद वसीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम को मिली करारी हार का जिम्मेदार कप्तान बाबर आजम को ठहराया था। एक तरफ जहां T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सभी देश अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि बोर्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए उसी टीम का ऐलान करेगा जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए किया है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है। इन दोनों की कप्तान बाबर आजम से कुछ समय पहले तक खास दोस्ती नहीं थी, दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। लेकिन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 से कुछ वक्त पहले दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस लिया और पाकिस्तानी स्क्वाड में शिरकत की। बाबर आजम वर्सेस इमाद वसीम, हाँ मतलब अब तो पाकिस्तान वाले भी सुन सुनकर थक चुके हैं, पक चुके हैं कि यार कितनी बार इनका होगा, मतलब कहां तक होगा। इमाद और बाबर पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े प्लेयर, दो ऐसे प्लेयर जो अपनी टीम के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। एक शायद पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर है और दूसरा पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की लिस्ट में एक मेरे लिए अभी भी सईद अनवर और इंजमाम बाबर से बड़े। खैर,
वर्ल्ड कप से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर इमाद और बाबर की बहस का वीडियो। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर अखबारों ने खबर छाप दी कि भैया बवाल जो है वो कटा पड़ा है, पाकिस्तान में सर फुटबॉल हो रहा है और लोग लड़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि यार जो लोग प्री मैच नहीं साथ रह पा रहे हैं वो पोस्ट मैच या मिड मैच में कैसे साथ रहेंगे, तो मार कर लेंगे आपस में, और अगर मार कर लिए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्या होगा। वैसे भी बाबर पर न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आरोप लगे थे कि इमाद वसीम को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, इमाद को उन्होंने टीम में जगह नहीं दी थी, इमाद को पहले रोटेशन के नाम पर बाहर बिठा कर रखा था। इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर आया कि इमाद को जब खिलाया गया तो 7 नंबर बल्लेबाजी करवा रहे थे और गेंदबाजी के नाम पर सिर्फ 1 ओवर दे रहे थे ताकि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म ना करें। ये वही इमाद वसीम है जिन्होंने पीएसएल के आखिरी 4 मैचेस में एक तरफा परफॉर्मेंस करके अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताया था और एक मैच में बाबर आजम की टीम को भी बल्ले से रन बनाकर बाहर कराया था। लेकिन अब जब इमाद और बाबर का ये वीडियो आ रहा है तो ये हैरानी हो रही है कि क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। झगड़े की बात सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बाद में इमाद वसीम से बाद में इस प्रैक्टिस सेशन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारी की गई। फिलहाल बाबर आजम की टीम जो है इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले 2 अहम सीरीज की तैयारी कर रही है। T20 वर्ल्ड कप आएगा जब वहां पर पाकिस्तान को इंडिया से, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका से लड़ाई लड़नी है। पाकिस्तान अपने इस टूर्नामेंट की शुरुआत 6 जून को यूएसए के खिलाफ करेगा, उससे पहले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए वो आयरलैंड और इंग्लैंड से भिड़ेगा। पाकिस्तान टीम जो है आयरलैंड के खिलाफ 10 मई से, इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई से T20 सीरीज खेलेगी। लेकिन उससे पहले ही ये क्लिप जो है ये काफी चर्चा में है, इमाद और बाबर की ये क्लिप जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब जब ये वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, इसकी बवाल की बात आ गई तो लोगों ने पूछा है क्या। बाद में इमाद वसीम का एक वीडियो सामने आया और इमाद से उसमें तमाम जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई साहब आपके बाबर के बीच में सब अच्छा है या बुरा है, तो इमाद कहते हैं कि जी लड़ाई हमारे बीच में नहीं है, आप ये सब मत सोचिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बीच में एक टॉपिक को लेकर बहस हो रही थी और जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके बीच में ये सब चीजें नॉर्मल होती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कई बार मीडिया भी बढ़ा चढ़ा कर बोल देती है। हालांकि जिस मीडिया को इमाद वसीम दोष दे रहे हैं पूरा दोष उसका भी नहीं है, क्योंकि इमाद और बाबर एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। इमाद वसीम ने पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनलों में बैठकर दिन रात टीवी पर यह कहा है कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, वो टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं। बार बार और एक बार नहीं, तमाम टीवी चैनलों पर ये इमाद और आमिर ने ये स्टेटमेंट दोहराई है, बार बार वो कहते आए हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है, अगर आप में से लोग नहीं जानते हैं कि इमाद वसीम ही वो खिलाड़ी है जिन्होंने विराट कोहली से बाबर आजम की मुलाकात करवाई थी। बाबर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि इमाद और विराट एक दूसरे के साथ T20 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं U19 में, तो वहां पर वो मुलाकात करवाई थी। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम और इमाद वसीम के रिश्ते जो है वो ही बदल गए, और इस रिश्ते का असर ये रहा कि दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते झगड़ते और एक दूसरे के खिलाफ हल्की बयानबाजी करते नजर आए। और उसके बाद जब पीएसएल के बाद एक टीम का हिस्सा बने तब भी कई बार वो ऑकवर्ड मूवमेंट इन दोनों के बीच में दिखाई पड़े। क्या ये ऑकवर्ड मूवमेंट वर्ल्ड कप के पहले खत्म हो जाएंगे? इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। क्या बाबर इमाद को खिलाएंगे? इंटरेस्टिंग रहेगा देखना।